हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ एशिया का जो कि है सबसे बड़ा बाज़ार, हाँ जी सदर बाज़ार। तो सदर बाज़ार जो कि दिल्ली में है, तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ और वहाँ पर जो मॉर्निंग की पटरी मार्केट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, आज मैं आपको वो दिखाऊँगी। तो अब मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर इतनी ज़्यादा मतलब रश हो रहा है क्योंकि लोग पटरी मार्केट के चक्कर में ही यहाँ पर आते हैं। फ्रंट जैसे हम रिक्शा से उतरते हैं, यहाँ पर हमें सबसे पहले मिलता है बहादुरगढ़ रोड, जिस पर सब ऐसी मतलब रोड पर ही मार्केट लगी होती है यहाँ पे, और सब कुछ थोक में मिलता है। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ये बलून्स, बच्चों के खिलौने, ये सब आपको थोक में ईज़िली मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापारी आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर है सामने जो आपको स्ट्रीट दिख रही है, इसके अंदर आप जाओगे तो आपको टेडी बियर अगर आपको लेने हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर टेडी बियर्स की फर्स्ट दुकान है जो कि फ्रंट में है। इनके पास मतलब इतने अच्छे अच्छे टॉयज़ हैं, बहुत अच्छे टेडी बियर्स हैं। अगर आप सॉफ्ट टॉयज़ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं सदर बाज़ार में, आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो ऑनलाइन पता है अमेज़ोन पे मैंने जस्ट अभी देखा तो उस पर 1098 का दिखा रहा था, और जो यहाँ सदर बाज़ार में है वो 550 से लेके 850 तक में आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो वहाँ ऑनलाइन लेने से अच्छा है आप यहाँ मार्केट में आके हैंड टू हैंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी लगी हैं पटरी मार्केट लगी है, जो व्यापारी होते हैं जिनको अपनी मॉर्निंग में मार्केट ओपन करनी होती है वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से बंच में मीन्स थोक में सामान कलेक्ट करके लेकर जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे हेयर बैंड पूछा, इसमें पता है 12 पीसेस हैं और क्या कहते हैं ये 60 रुपीज़ का एक दे रहा है पूरा का पूरा, और अगर हम यही चीज़ मार्केट से ख़रीदते हैं तो वो 10 रुपीज़ का एक मिलेगा, तो है ना फ़ायदा। मैं आपको बताऊं यहाँ पर अगर आप आते हो तो यहाँ पे ना एक मतलब सिंगल पीस आप नहीं ख़रीद सकते हो सुबह की पटरी मार्केट में, क्योंकि ये बंच में देते हैं, लेकिन बंच में भी अच्छा खासा आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर आप आओगे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस मिल जाएगा आपको कि आप ले सको उसे। मतलब जो चीज़ आप एक में लोगे वही चीज़ आपको, वही पैसा आपको एक सामान पर देना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा आपको क्वान्टिटी ज़्यादा, तो फ़ायदा बहुत है पटरी मार्केट मॉर्निंग की जो है आने में। ये इन भैया ने कमरबंद लगा रखे हैं, बहुत प्यारे प्यारे और हेवी हैं। भैया कितने के हैं? मतलब ये जो हैं ये 80 के हैं और जो ऊपर हैं वो 100 रुपीज़ के, मतलब ये इनके अलग अलग प्राइस हैं, और लेकिन बहुत अच्छा कलेक्शन है इनके पास। ये पास में ही एक स्टोर है लगा हुआ है इनका, ये है लटकन। लटकन जो आपको बेसिकली पता ही होगा कहाँ कहाँ पर लगाई जाती है, साड़ी में, सूट में या फिर लहंगे में, तो जो यहाँ पर लटकन है वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है और बहुत ही प्यारी प्यारी है, अच्छे अच्छे हैं। यहाँ से आप ये भी बाय कर सकते हो, 80 रुपीज़ की 2 थी और सबके प्राइस अलग अलग है। चलो अब चलते हैं आगे। अरे रुको रुको, यहाँ इन भैया के पास इस टाइप के शगन वाले लिफाफे हैं जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, डिज़ाइन वाले। अब तक हमने जो भी देखा है वो स्क्वायर फिट में देखा है, लेकिन इनके पास डिज़ाइन में है। इसमें क्या है? 50 रुपये का पैकेट है, इसमें कॉइन नहीं लगा हुआ। तो गाइज, अब चलते चलते लग गई है बहुत ही ज़्यादा भूख, क्योंकि हम दोनों ने ही घर से ब्रेकफास्ट नहीं किया,
तो यहाँ बिल्कुल पास में गर्मा गर्म छोले भटूरे बना रहा है ये। तो यहाँ से हमने छोले भटूरे ले लिए हैं और ये 40 रुपीज़ पर प्लेट देता है और इसके छोले भटूरे बहुत ही गजब के होते हैं। ये सारे 100-100 रुपए के हैं, 120 का है, अलग अलग है। अभी हैंड टू हैंड आ रही है ना। अब तक मैंने जितने भी इस टाइप की बैंगल्स दिखाई ना, ये है 60 रुपीज़ की है और आप कोई सा भी ले सकते हो। मैंने ये रेड वन ले लिया है। यहाँ पर पॉट हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स पॉट हैं जो कि अदर मार्केट में 50 का मिलता है और यहाँ पे ये 30 रुपीज़ के दे रहे हैं। अगर आप सिंगल पीस लेते हो तो 30 रुपीज़ का है। हाँ भैया, कितने की सिंगल? 30 रुपये। सुबह का टाइम हो रहा है और इस टाइम ना ज़्यादातर वो लोग आते हैं जिनको घर जाके 9-10 बजे तक अपनी शॉप खोलनी होती है। तो इस वक्त अगर आप आते हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सुबह सुबह निकल जाएं, 7 बजे मॉर्निंग में निकल जाएं, ताकि आप यहाँ पर आएं और आप अच्छा अच्छा सामान यहाँ से कलेक्ट करके ले जा सकें। क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है भीड़ बढ़ती जाती है और जो दुकानदार हैं वो अपना सामान बटोर के यहाँ से, मतलब जो पटरी वाले हैं वो यहाँ से जाने लगते हैं। तो और उसके बाद फिर दूसरी मार्केट लगती है जो कि शोरूम वगैरह है, जो इनकी खुद की दुकानें हैं वो खुलने लगती हैं, पटरी वाले यहाँ से जाने लगते हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप जल्दी आएँ। और यहाँ पर धूप इतनी कड़ी हो रही है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। इस वक्त टाइम हो रहा है कम से कम 9 बज रहे हैं इस वक्त और बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई है। यहाँ पर बैग कलेक्शन बहुत ही प्यारे हैं, हैंड बैग जो होते हैं इसमें ना आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस मिल जाएगा और पता है बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। धूप बहुत हो रही है गाइज, अगर आप आते हो तो मैं कहूँगी कि आप जल्दी आएँ और जल्दी से जाएँ यहाँ से, क्योंकि भीड़ के साथ साथ धूप भी बढ़ रही है और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। फाइनली चलते चलते हमें वो शॉप मिल गई जिसका मुझे इंतज़ार था, जहाँ से मुझे शगन के जो लिफाफे होते हैं वो लेने हैं। ये यहाँ पर ये क्या है, अच्छा ये वो है जो मालाएं होती हैं, ये वो है, इनके पास ही बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, मालाएं हैं हर तरह की। और ये सिंहासन है गोपाल जी का। और ये क्या है, बेसिकली इनके पास वो सारा सामान है, वो सारी सामग्री है जो कि एक पूजा स्थान पर यूज़ की जाती है। सो मुझे तो मिल गई ये थैले, मुझे जो कि चाहिए थे, ये पाउच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे फ़िलहाल इस वक्त मेरे लिए। तो अब चलते हैं हम आगे और आगे देखना है कि आगे और क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि अब टाइम इनका हो चुका है जाने का और अब पटरी मार्केट ख़त्म होने वाली है। तो लोग जल्दी सामान परचेस कर रहे हैं और जल्दी जल्दी निकलने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। सिमरन भी थक गई है बहुत ज़्यादा, तो चलते हैं फिर आगे देखते हैं और क्या क्या सामान मिल रहा है।
सो फ्रेंड, जो कि सदर की बहुत ज़्यादा फेमस है पटरी मार्केट, वो मैंने आपको आज दिखाई कि किस तरह से यहाँ पे पटरी मार्केट लगती है और किस तरह का सामान मिलता है अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्केट है, सुबह का टाइम बहुत ही कम है, इस वजह से मैं पूरी मार्केट नहीं घूम पाई, लेकिन आई मेक श्योर मैं जब सेकेंड टाइम आऊँगी तो मैं आपको पूरी मार्केट दिखाऊँगी और एक्सप्लोर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।